अजी, हमारा बेटा 12 साल का हो गया है। हमने जो मन्नत मांगी थी, चलो उसे पूरा कराएं। संजय अपनी पत्नी उषा के साथ कुशीनगर में रहता था। उनका एक बेटा राजू बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वो एक कपड़े का व्यापारी था। एक दिन वो लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए घर से निकले। पापा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमने तुम्हारे जन्म के लिए भगवान से मन्नत मांगी थी, वही पूरी करने जा रहे हैं। तभी रास्ते में उनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें अम्मी अब्बू दोनों की मौत हो जाती है। इससे राजू बहुत दुखी हो जाता है, परंतु कुछ वक्त बाद वो ठीक होकर अपने पिता का व्यापार संभालने लगता है। एक दिन, अरे भाई राजू, तुमने तो बड़े ही अच्छे से अपने पापा का कारोबार संभाल लिया भाई, क्या बात है? हाँ हाँ अंकल, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ही समय बाद राजू का व्यापार बहुत ही बढ़ गया था और वो अमीर होने लगा था। राजू एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़का था, लेकिन उसके घर पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। फिर एक दिन एक चंदू नाम का आदमी आया। जनाब, आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपके घर के सारे काम करूंगा। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, मगर खाने को दे देना। राजू का उसकी हालत और उसकी बातें सुनकर दिल पिघल गया और उसने उसे काम पर रख लिया। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। हाँ, चंदू एक चोर था, लेकिन इस बात की खबर राजू को नहीं थी। चंदू कुछ महीनों तक घर के सारे कामों को संभालता रहा। राजू का पूरा विश्वास जीतने के बाद एक दिन, चंदू, मैं कारोबार के सिलसिले में 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे घर की पूरी तरह से रखवाली करना है, खास करके तिजोरी की, समझ गए? जी हुजूर, आप बेफिक्र होकर जाइए। राजू चला जाता है। इधर चंदू जो चाहता था वो दिन आ गया था। चंदू राजू के जानने वालों से बहुत ज्यादा कर्ज ले लेता है और समय देखकर सारे पैसे लूटकर फरार हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद जब राजू घर वापस आता है तो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा? ये जानकर उसके सभी पहचान के लोग उससे पैसे मांगने लगते हैं। राजू अपनी सारी बातें उनको बताता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो अपने पैसे मांगते रहते हैं। इन सब से परेशान होकर वो वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है। हे भगवान, ये आपने क्या किया, अब मैं क्या करूं? रास्ते में वो देखता है कि एक दरख्त के नीचे बैठा एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा है। अरे कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। क्या मदद चाहिए बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा, ठंड से ठिठुर रहा हूँ, ठंड से मर जाऊंगा बेटा। राहुल अपना पहना हुआ स्वेटर निकाल कर उस बूढ़े बाबा को दे देता है। ये देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है। बाबा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। बेटा, तुम बहुत अच्छा इंसान हो, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू अपनी सारी कहानी बता देता है। बेटा, मैं एक मंत्र बताता हूँ, अगर तुम उस पहाड़ी पर जाकर ये मंत्र बोलोगे तो तुम्हें वहाँ का ज्वालामुखी सोना देगा। बाबा, आप कौन हैं? मैं एक तपस्वी साधु हूँ और अच्छे इंसानों की मदद करता हूँ। इतना बोलते ही साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर राजू उस पहाड़ी पर जाकर उनका बताया हुआ मंत्र बोलता है और उसके सामने वो ज्वालामुखी बहुत सारे सोने उगलने लगता है, परंतु राजू उसमें से सिर्फ एक बक्सा सोना लेता है और अपना बिजनेस वापस से शुरू कर देता है।
अरे भाई राजू, तुम शहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? राजू अपने साथ हुए सारे हादसे उन्हें बता देता है। फिर राजू के लौटने की खबर और सोना मिलने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात चंदू को भी पता चलती है। वो फिर से राजू को लूटने और उस सोने की खान तक पहुंचने का प्लान बनाता है। वो राजू को फंसाने के लिए सिमरन नाम की एक लड़की को उसके दुकान पर भेजता है। साहब, मुझे कुछ काम दे दो, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजू को अपने अम्मी अब्बू की याद आती है और उसे उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उसे वहाँ काम पर रख लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझे काम पर रख लिया। कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे सिमरन राजू को अपने प्यार में फंसा लेती है और उससे शादी कर लेती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट लेती है। और फिर एक दिन चंदू वहाँ आ जाता है। अरे वाह सिमरन, तुमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया। चल राजू, अब हमें सोने के ज्वालामुखी के पास ले चल। मगर ज्वालामुखी को बोलने वाला मंत्र भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर चंदू और सिमरन को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों राजू को पीटते हैं और उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। राजू रोता हुआ उस गांव को छोड़कर कहीं दूर निकल जाता है। तभी रास्ते में, अरे बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। राजू अपनी पॉकेट में पड़ा हुआ बिस्किट निकालकर उस भिखारी को दे देता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश हो जाता है। ये लीजिए, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बहुत है बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ समझता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ये लो फूल, इसे उस पहाड़ी पर ले जाकर ज्वालामुखी पर लगाना और खाने पीने के लिए जो भी चाहिए वो मांग लेना। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजू उस पहाड़ी पर जाकर खाने पीने की चीजें मांगता है और फिर वहाँ आसपास के लोगों को खाने के लिए भी लाकर देता है। बाकी लोग उससे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन, मैं कोई काम नहीं करूँगा तो फिर जरूरतें कैसे पूरी होंगी, सोच रहा हूँ यहाँ से निकल जाता हूँ। राजू वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे रोते हुए दो किसान मिल जाते हैं। भगवान, हमारी तो फसल ही बर्बाद हो गई। क्या हुआ आप लोगों को? भाई, इस साल बारिश नहीं हुई है, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमारा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। किसान की सारी बातें सुनकर राजू अपने बचे हुए पैसे निकालकर उन्हें दे देता है। अपने खेतों में पानी चला लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तभी वहाँ देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। तुम बड़े ही रहमदिल इंसान हो, तुम्हारे पास कुछ ना होने के बावजूद तुम सबकी मदद करते हो। ये लो एक चाबी, इसे उस पहाड़ पर जाकर ज्वालामुखी में डाल देना। उस ज्वालामुखी से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी करेगा। राजू उस ज्वालामुखी के पास जाकर उस ज्वालामुखी में वो चाबी डालकर कुछ पैसे और घर मांगता है और फिर गांव में आकर अपना व्यापार शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन के बाद उसे ज्वालामुखी के वो मंत्र भी याद आ जाते हैं। फिर तीनों ज्वालामुखी की सहायता से वो गांव के लोग और नगर के लोगों की मदद करने लगता है, जिससे उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो जाता है। ये बात चंदू को भी पता लग जाती है। अरे इस राजू को कौन सा खजाना हाथ लगा है जो इतना अमीर बन गया है? चलो इसका पीछा करते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, चंदू उसका दोस्त और सिमरन तीनों उसका पीछा करने लगते हैं और तीनों ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं और सारा राज जान जाते हैं और फिर राजू को पकड़कर मार देते हैं और उससे वो चाबी ले लेते हैं, लेकिन वो मंत्र नहीं जान पाते। जल्दी चलो ज्वालामुखी का खजाना लूट लेते हैं।
वो लोग ज्वालामुखी पर जाते हैं। वहाँ जाते ही उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आग ही नजर आती है और ज्वालामुखी बोल उठता है, तुम लोग जालिम हो, इस ज्वालामुखी में से सिर्फ ईमानदार लोगों को ही खजाना मिलता है। और फिर उसके बाद चंदू और उसके सारे दोस्त उस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाते हैं और फिर राजू को वो चाबी वापस मिल जाती है, जिससे राजू सबका भला करने लगता है और खुशी खुशी रहने लगता है।